खबर है नागपुर जिले से, जहां आई अचानक तेज बारिश से शहर जलमय हुआ और अनेक जगह पर पानी जमा हुआ। बरसात के मौके पर सिर्फ राजधानी मुंबई में ही नहीं, हर तरफ जल का जमाव दिखाई देता। पिछले कुछ वर्षों से नागपुर में भी यही स्थिति निर्माण हो रही है। घंटे दो घंटे की मूसलाधार बरसात में हर तरफ पानी संचय होने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को दोपहर 1 से 1.5 बजे के दरमियान हुई मूसलाधार बारिश से संपूर्ण शहर जलमग्न हो गया और एक घंटे की तेज बरसात मानो नागरिकों के लिए सरदर्द साबित हुई। अनेक घरों में पानी जमा हो गया और रास्ते तालाब का रूप ले लिए और शहर के नरेंद्र नगर पुल के नीचे पानी बहने की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और अनेक वाहन इस पानी में फंस गए। और वहीं मनीष नगर के भुयारी मार्ग में भी यही स्थिति रही, जहां बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। वहीं सीमेंट रास्तों के गलत नियोजन के अभाव में रास्ते से लगते हुए अनेक घरों में पानी जमा हो गया। निकाला सोमलवार स्कूल के पास में भी 1 से 2 फुट के आसपास पानी जमा हो गया। गोपाल नगर परिसर में भी यही स्थिति दिखाई दे रही थी और हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था। अगर यह बरसात कुछ घंटों और होती तो स्थिति कुछ और होती, मगर बरसात रुकने से नागरिकों ने राहत की सांस ली।